बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दी, लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने सेशन जज अटक को हुक्म दिया कि बतौर बैलफ परवेज इलाही को बाजियाब करवाकर कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। अदालत ने हुक्म उदूली पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। लाहौर हाईकोर्ट के तलब करने पर आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको क्या रिपोर्ट दी गई, क्या कोई मरासला आया, कौन लोग लेकर गए। आईजी ने बताया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसकी महकमाना इंक्वायरी कराएं। परवेज इलाही की रिहाई से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपील में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। उधर नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट भी जमा करवा दी। तरक्याती स्कीम्स की गैर कानूनी मंजूरी के केस में नैब हिरासत में नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। नैब जिस्मानी रिमांड के दौरान ही हाईकोर्ट के हुक्म पर परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अटक जेल में कैद साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिम्स अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने पर पुलिस परवेज इलाही को अस्पताल से वापस डिस्ट्रिक्ट जेल ले गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पीएमपीयू के तहत अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को मामूल के चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पुलिस का काफिला परवेज इलाही को लेकर पिम्स अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। एलीट फोर्स के अहलकार भी अलर्ट रहे। परवेज इलाही को एडमिन ब्लॉक के रास्ते अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट लिए। अस्पताल के डॉक्टर्स ने परवेज इलाही की सेहत तसली बख्श करार दे दी। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर अनीजा ने कहा की पिम्स अस्पताल में परवेज इलाही को मामूल के चेकअप के लिए लाया गया। तिब्बी चेकअप मुकम्मल होने पर सख्त सिक्योरिटी हसार में परवेज इलाही पिम्स अस्पताल से चले गए। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान पिम्स मुसलसल मीडिया को परवेज इलाही के मेडिकल के हवाले से गलत गाइड करती रही। परवेज इलाही के पिम्स से रवाना होने के बाद बयान जारी किया कि साबिक वजीर आला का तिब्बी मुआयना हो चुका है और उनकी सेहत तसल्ली बख्श है। उधर गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ है। कहा जा रहा है कि हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के दो अफसरान और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है और हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी के मुख्तलिफ रेट्स हैं। चमन में फी किलो चीनी 230 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कोयटा में 220, फैसलाबाद में 210 रुपए फी किलो में दस्तयाब है और लाहौर और कराची में फी किलो चीनी की कीमत 190 रुपए है। चार रोज में चीनी की कीमत में औसतन 40 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। चीनी के दाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सूरत हाल पर महंगाई ज्यादा आवाम ने सर पकड़ लिए। ट्रेडर्स ने कीमत बढ़ने की वजह स्मगलिंग को करार दे दिया। चीनी के हर शहर में मुख्तलिफ दाम हैं। चमन में 230 तो कोयटा में 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल और परचून में चीनी का एक ही दाम वसूल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अब चाय चीनी के बगैर ही पीने पर मजबूर है। अभी तो वो हाल हो गया, हम लोगों ने जो है ना अभी चीनी खाना छोड़ना पड़ेगा, खाली उसको देख कर जो है ना गुजारा करना पड़ेगा। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा, क्या चीज है पाकिस्तान में, सिर्फ मौत सस्ती और कुछ भी नहीं। कराची और मुल्तान में भी महंगाई माफिया बेलगाम दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते में चीनी के दाम में 20 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। फी किलो चीनी 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी अभी 200 रुपए कहीं कहीं मिल रही है, कहीं 210 मिल रही है। अच्छा, अलग अलग रेट महंगाई की थी। पेट्रोल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, घी बढ़ गया, खाना क्या दाल जो है वो भी छीन ली है। दुकानदारों के भी कसूर है, वो अगर कुछ बढ़ता है तो वो उनसे डबल कर देते हैं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। रिक्शा चलाता हूँ, अब 140 रुपए से 150 से 190 पहुँच गए, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। चीनी, आटा, घी सब चीजें महंगी, क्या करें। फैसलाबाद में होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 9000 रुपए का हो गया। ताजिर चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग को करार दे रहे हैं। वाइस चेयरमैन शुगर ट्रेड एसोसिएशन पंजाब असलम भली ने कहा कि हुकूमत स्मगलिंग रोकने में नाकाम है। चीनी हमारे पास पूरी है, मगर चूँकि एक स्मगलिंग का फैक्टर भी है, इंटरेस्ट रेट है।
आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, चीनी की आमद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के अहसन इकबाल के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द अमल। ताज हैदर ने साबिक वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला पर चीनी स्मगल करवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ताज हैदर का कहना है कि नवीद कमर ने इसहाक डार की मदद के लिए 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। चीनी की बरामद के बदले गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल किया गया, जिससे इसहाक डार की मदद हुई। राना सनाउल्ला साहब ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाजत दी। स्मगलर्स ने डॉलर्स कमाए। अहसन इकबाल ने नवीद कमर पर इल्जाम लगा दिए। महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ आवाम का एहतजाज 11वें रोज भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के वकला ने महंगी बिजली टैक्स वापस और मुफ्त यूनिट खत्म न करने के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सदर पेशावर हाईकोर्ट बार कहते हैं तहरीक में ताजर और दीगर तंजीमें भी शरीक होंगी। अदालत जाने का भी फैसला किया। KP और सिंध के बाद शहरों में वकला का अदालती बायकॉट। मुख्तलिफ शहरों में सार्फीन के मुजाहरे। मियांवाली में कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल हैं। आमदन कम और बिजली बिल आवाम की औकात से बढ़कर। महंगी बिजली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी। कहीं शटडाउन, कहीं अदालती बायकॉट। खैबर पख्तूनख्वा के वकला ने महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ अदालतों का बायकॉट। वकला ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हमें गवर्नर और वजीर आला से, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे जो आज रेजोल्यूशन है इसकी एक कॉपी, उसको हम भेजेंगे और मुलाकात के लिए टाइम मांगेंगे। और उनको ये हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर वो हमारी तकलीफ़ों का मदावा नहीं कर सकते तो फिर उनको भी ये हक नहीं है कि उस इस ओहदों को वो एंजॉय करें। सिंध की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की अपील पर ठट्ठा, उबाड़ो और नौशहरो फिरोज में वकला ने एहतजाज किया और रैलियां निकाली। आम शहरी भी शरीक हुए। वकला की जानिब से अदालतों का बायकॉट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल ना मंजूर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना मंजूर। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला आज 11वें रोज भी जारी। मियांवाली में ताजरों ने एहतजाजन मार्केट्स बंद कर दी। बाज मकामात पर टायर जलाकर सड़कें भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने इजाफे टैक्सेस वाले बिल जमा ना कराने का अजम भी दोहराया। ये हम नहीं मानेंगे, न मंजूर न मंजूर, हम नहीं मानेंगे। नाज़रीन, नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी अकाबरीन से मुशावरत के बाद पाकिस्तान आने का प्लान तब्दील कर दिया है। नवाज शरीफ का तैयारा अब लंदन से इस्लामाबाद के बजाय लाहौर उतरेगा। नवाज शरीफ लंदन से 15 अक्टूबर इतवार को लाहौर के लिए रवाना होंगे। मज़ीद तफ़सीलात मावेश सुहेल की रिपोर्ट में। सबक वजीर आजम नवाज शरीफ की तीसरी बार खुद साख्ता जिला वतनी से वापसी। नवाज शरीफ का तैयारा 15 अक्टूबर को लंदन से उड़ान भरने को तैयार। साबिक वजीर आजम की वापसी से कबल कानूनी मामलात निपटाने के लिए पार्टी के आइनी और कानूनी माहरीन से भी मुशावरत जारी है, जबकि उनके वतन पहुंचने से कबल अदालती मामलात हल किए जाएंगे। राय के मुताबिक नून लीग के कायद वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से मुसाफिर तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम सफदर ने इस्तकबाली मामलात की निगरानी संभाल ली, जबकि पार्टी कायद ने साबिक अरकीन असेंबली और तंजीमी अहदेदारान को इस्तकबालिया जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने की हिदायत कर दी। मरियम सफदर तमाम हल्कों में पार्टी अरकीन के साथ इस्तकबालिया जलसे के लिए राब्ते कर रही हैं। महविश सोहेल, GNN लाहौर। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत एक बार फिर लटक गई। जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन के रुख्सत के बाद समाप्त बगैर कार्रवाई 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत का मामला लटक गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन अहलिया की तबियत नासाजी के बाइस एक हफ्ते की छुट्टियों पर चले गए। अदालती अमले की जानिब से चेयरमैन PTI की लीगल टीम को बताया गया कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन 8 सितंबर तक छुट्टियों पर है, जिसके बाद लीगल टीम एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में पहुँच गयी और जमानत की दरख्वास्तें सुनने की इस्तदा कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास हसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत का ड्यूटी जज नहीं हूँ, खसूसी अदालत के मामला नहीं सुन सकता। जुडिशियल कम्प्लेक्स में 24 अदालतें हैं, सबके मामला सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत का मामला अलग है। या तो आप रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करें या फिर 9 सितंबर तक इंतजार करें। प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से साइफर केस के मामला सुनने की मुखालफत की गयी। PTI वकला ने जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में दायर दरख्वास्त वापस ले ली और अदालत को बताया की साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी हो गयी है। मुलाजिमा रिजवाना तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त, सिविल जज की अहलिया मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त
मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 1,00,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया है। कमसिन मुलाजिमा रिजवाना तशद्दुद केस में अहम पेशरफ हुई है, जान लेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस बताइएगा। देखिए कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी अहम पेशरफ है कि जो सिविल जज आसिम हफीज है उनकी अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की जो है वो 1,00,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी वो अदालत ने मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हारून ने जो है वो इस पर समाअत की और सैयद मोहम्मद हारून ने इस पर समाअत की और अदालत ने मुलजिमा सोमिया आसिम की 1,00,000 रुपए मचलकों के एवज जो है वो जमानत मंजूर कर ली है। इससे कबल भी उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट के पास दायर की गई थी, तहम वो उनकी जानिब से खारिज की गई थी और अब एडिशनल सेशन जज की अदालत में जो है वो इस पर अपील फाइल की गई थी, जिस पर अदालत ने जो है वो अपील मंजूर करते हुए 1,00,000 रुपए मचलकों के एवज मुलजिमा सोमिया आसिम की जो जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है। जी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इदरीस अब्बासी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली है। दूसरी जानब सिंध हाईकोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 17 अरब रुपए का करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म जारी किया। हबीबुल्ला की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। कराची के एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस जमानत मंजूर करते हुए 10,00,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। स्पीकर अदालती रिमांड पर जेल में हैं, जबकि सूबाई महकमा दाखिला ने इनके घर को सब जेल करार दे रखा है। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन समेत दीगर मुलजिमान की जानब से एहतसाब अदालत के दायर इख्तियार को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। नैब के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने दीगर मुलजमान के साथ मिलकर मनपसंद कंपनियों को गैस फराहम की। फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि गैस कंपनियां सरकारी इदारे हैं, इन्हें गैस फराहम करके डॉक्टर आसिम समेत किसी मुलजिम ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बाद हाईकोर्ट ने रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दिया। हबीबुल्ला जी, NN कराची।